हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर अबाउट द फंगस म्यूकर। ओके, म्यूकर फंगस के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी ये वीडियो होगी जिसमें हम म्यूकर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहला जो उसका पॉइंट है, म्यूकर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इट कैन कॉज म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे मैंने, इट कैन कॉज म्यूकर माइकोसिस। आप अभी देख रहे हैं कि म्यूकर माइकोसिस के केसेस कितने ज्यादा हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट क्या है कि इट कैन कॉज म्यूकर माइकोसिस। ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के ये फंगस क्या कर रही है, म्यूकर माइकोसिस कर रही है। ठीक है, और सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है टॉर्यूला स्टेज। यानी कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूकर के लाइफ साइकिल में हमें टॉर्यूला स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, इन विच टॉर्यूला स्टेज क्या होती है, जिसमें फिलामेंटस हाइफी, जो फिलामेंटस हाइफी होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट लाइक बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द फिलामेंटस हाइफी इज कन्वर्टेड इंटू ईस्ट लाइक बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ CO2, इन द एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, O2 की जब एब्सेंस हो जाती है तो फिलामेंटस हाइफी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट लाइक बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, जब हम ऑक्सीजन की एब्सेंस करवा देते हैं और स्पेशली CO2 की प्रेजेंस करवा देते हैं, तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो फिलामेंटस हाइफी होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट लाइक बॉडीज में। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू मैं अगर समझाऊं तो ये मान लो ये इसका फिलामेंटस हाइफी है। ठीक, ये हाइफी है, ये है फिलामेंटस हाइफी। ये क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ O2, O2 हमने कम कर दिए, बिल्कुल एब्सेंस कर दिए, एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, और स्पेशली CO2 का कंसेंट्रेशन हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो उस टाइम पे हमें ये देखने को मिलेगा कि फिलामेंटस हाइफी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ईस्ट लाइक बॉडीज में। ये ऐसे करके ईस्ट लाइक बॉडीज बना लेती है। ठीक है, ईस्ट लाइक बॉडीज। तो इसी प्रोसेस को, इस कंडीशन को, इस स्टेज को हम बोलते हैं टॉर्यूला स्टेज। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टॉर्यूला स्टेज। ओके, जो थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका जो माइसीलियम होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है इंटू स्टोलन राइजोइड्स एंड स्पोरेंजियोफोर। इसका माइसीलियम क्या होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ये क्या हो गया, इसका स्पोरेंजियम, और ये क्या हो गया, स्पोरेंजियोफोर हो गया, और नीचे से क्या हो गया इसके, ये प्रोस्टेट हाइफी हो गए। इसमें हमें स्टोलन्स और राइजोइड्स और स्पोरेंजियोफोर, ये अलग अलग माइसीलियम इसका पार्ट डिवाइडेड देखने को नहीं मिलता है। जो हमें किसमें देखने को मिलता है, राइजोपस के केस में देखने को मिलता है, बट म्यूकर के केस में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाय द एंटायर माइसीलियम। अब हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो पूरे माइसीलियम के थ्रू होगा। ये वाले पार्ट से भी होगा, माइसीलियम के ये पार्ट से भी होगा, ये वाले दूसरा पार्ट है उससे भी होगा, जो नीचे उससे भी होगा, तो सारे पार्ट से माइसीलियम के एब्जॉर्प्शन होगा। बट इन केस ऑफ राइजोपस हमें ये देखने को मिलता था कि एब्जॉर्प्शन सिर्फ राइजोइड्स के थ्रू ही होता है, बट यहाँ पे राइजोइड्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो माइसीलियम, जितना भी माइसीलियम है, एंटायर माइसीलियम, वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि स्पोरेंजियोफोर अकर सिंगली फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द माइसीलियम। ये जो स्पोरेंजियोफोर होता है, ये क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर जो होता है ये माइसीलियम के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकता है। ठीक है, और जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो ये है कि स्पोर्स जो होते हैं वो कॉलुमेला से अटैच्ड रहते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पर्जल। जब स्पोर डिस्पर्जल का टाइम आता है तो वो उसमें कॉलुमेला के साथ अटैच रहते हैं, तो उनको बाहर रिलीज होने में टाइम लगता है या फिर ज्यादा प्रेशर लगता है। अब कॉलुमेला क्या है आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा म्यूकर है। ठीक है, ये म्यूकर फंगस है, ये इसके हाइफी हो गए। ठीक है, माइसीलियम वगैरह हो गया, ये क्या हो गया, इसका स्पोरेंजियम हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज स्पोरेंजियम। ठीक है, ये स्पोरेंजियम है, और यहाँ पे ये वैक्यूलेटेड पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या डेवलप होते हैं, यहाँ पे होता है वैक्यूल्स, ऐसे ऐसे। ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट में, आपने म्यूकर की लाइफ साइकिल में भी पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, और इसी को, जहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉलुमेला। क्या बोलते हैं हम, वेरी गुड, कॉलुमेला।
ठीक है, कॉल्यूमेला बोलते हैं। और इसी कॉल्यूमेला किट में क्या होता है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे, तो ये कॉल्यूमेला से क्या होता है, स्पोर्स अटैच रहते हैं। अब जब डिस्पर्जल का टाइम आएगा, तो देखो डिस्पर्जन के टाइम पे क्या होता है, अब ये क्या हुआ, ये स्पोरेंजियोफोर होगा हमारा, और डिस्पर्जन के टाइम में ये जब वॉल ये रप्चर होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो स्पोर्स क्या करते हैं, मैं आपको इस कलर से दिखा दी स्पोर्स, तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स हमेशा कॉलोमेला के साथ ऐसे अटैच रहेंगे, तो इनको थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, कुछ ज्यादा, थोड़ा ज्यादा प्रेशर अगर मिलेगा, या फिर कोई इंसेक्ट अगर यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल आंट इसके ऊपर आके अगर टच किया आंट ने, तो उसके थ्रू इसका क्या होगा, डिस्पर्सल होगा, तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगता है, बस यही है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स म्यूकर की लाइफ साइकिल से, जो आपको कंप्लीट म्यूकर का क्या है, एक निचोड़ है। ठीक है, जो म्यूकर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक टू माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।